हेलो गाइस, तो जैसे कि आप लोग जानते हो डब्ल्यू बी जेई 2021 फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट निकलने वाला है 19 अगस्त को। आज 18 अगस्त है यानी कल निकलने वाला है। एंड उसके साथ साथ कुछ नया अपडेट आ गया है, आप लोग देख सकते हो। डिटेल्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स, सीट मैट्रिक्स ऑफ डब्ल्यू बी जेई 2021 एंड प्रीवियस ईयर ओपन रैंक एंड क्लोज रैंक, एंड एक अपडेट आ गया है, आप लोग देख सकते हो, न्यू नोटिस। ओके, तो तीन चार अपडेट आ गया है, उसके ऊपर हम लोग डीपली बात करेंगे। क्लोज रैंक, ओपन रैंक कैसे आप लोग चेक करोगे, सीट मैट्रिक्स आप लोग कैसे चेक करोगे, तो हर एक इंस्टीट्यूट का इंफॉर्मेशन आप इसमें क्लिक करके जान सकते हो। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं फर्स्ट नोटिस। ओके, तो इसमें लिखा है 19 अगस्त को आप लोगों का फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट निकलने वाला है, एंड उसी दिन से आप लोगों का रिपोर्टिंग टू एडमिशन, यानी इंस्टीट्यूट में जो इंस्टीट्यूट आप लोगों को मिलेगा उसमें एडमिशन एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बट बीच में 20 अगस्त मुहर्रम है, इसीलिए वो हॉलीडे है, उसमें एडमिशन नहीं होगा। 19 अगस्त को आप लोगों का रिजल्ट निकलेगा एंड उसी दिन से स्टार्ट होगा। उसके बाद 20 जो डेट है वो हॉलीडे है, वो छुट्टी रहेगा। उसके बाद 21st to 24th तक आप लोगों का एडमिशन होगा, ओके, एंड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो यही था सिंपल सा अपडेट, आप लोग जाकर टाइम टेबल पर चेक कर सकते हो, ये रहा। ओके, तो 19 को फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट निकलने वाला है, एंड 19, 21, 22, 23 एंड 24, 20 छोड़ के, ठीक है, 20 अगस्त छोड़ के 24 तक आप लोग जाके वेरिफिकेशन करवा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो, एंड विदड्रॉ भी उसी टाइम में आप लोग करवाना होगा अगर विदड्रॉ करना चाहते हो। ओके, देन सेकेंड राउंड का रिजल्ट निकलने वाला है 27 अगस्त को। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग चॉइस लॉक करना भूल गए, तो इसमें देखो साफ साफ लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू लॉक योर चॉइस बाय 16 अगस्त, अदरवाइज द सिस्टम विल लॉक द लास्ट सेव चॉइसेस एट द एंड ऑफ 16 अगस्त। ओके, तो इसमें साफ साफ लिखा है आप अगर चॉइस लॉक नहीं भी करते हो तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ओके, यानी लास्ट जितने भी कॉलेज आप लोग सेव करके रखे हो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जस्ट प्रिंट लिखना है, प्रिंट करना है। आप प्रिंटआउट स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते एंड फोटो भी नहीं ले सकते, आपको प्रिंट लिंक पर क्लिक करके प्रिंटआउट लेना है, ठीक है। तो यही था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप अगर चॉइस लॉक भी नहीं किए हो तो वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आ रहा है कि डिटेल्स ऑफ इंस्टीट्यूट, इसमें आप लोग क्लिक करोगे तो इसमें आप लोग सारा जो भी इंस्टीट्यूट है पार्टिसिपेट किया है डब्ल्यू बी जेई में, तो उसका लिस्ट आप लोग देख पाओगे। प्राइवेट इंजीनियरिंग 64 है, ओके, तो नीचे आप लोग आ जाओगे, 20 फार्मेसी कॉलेजेस है, और नीचे आप लोग आ जाओगे 8 स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, देन 1 गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज, 1 अदर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी आप लोग देख सकते हो, एंड नीचे प्राइवेट यूनिवर्सिटी आप लोग देख सकते हो। ओके, तो पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोग इसमें व्यू क्लिक करोगे तो इन्फॉर्मेशन आप लोग जान पाओगे, उसमें जाकर आप लोग क्लिक करना है एंड देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सीट मैट्रिक्स डब्ल्यू बी जेई 2021, तो इसमें क्लिक करोगे तो इसमें आप लोग सारा सीट मैट्रिक्स देख पाओगे कि इस साल कितना सीट अवेलेबल है एंड कौन से कोटा में कितने सीट अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल एससी, एसटी, ओबीसी, ए, ओबीसी, बी, पीडब्ल्यूडी, टीएफडब्ल्यू कोटा में कितने सीट अवेलेबल है। ओके, तो इसमें क्लिक करोगे राउंड 1, ओके, एंड स्ट्रीम ऑल बीटेक कर दोगे, देन इंस्टीट्यूट टाइप, देन तीन ऑप्शन आएगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूट, स्टेट गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज एंड स्टेट यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के लिए देखेंगे एंड इंस्टीट्यूट इसमें क्लिक करोगे, ऑल कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम भी ऑल कर दोगे एंड कोटा भी ऑल एंड देन टोटल इनटेक कैपेसिटी कर दोगे, देन सबमिट कर दोगे, ठीक है। तो सिंपल आप लोग देख पाओगे जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें ओपन कैटेगरी का मतलब जनरल में कितने सीट अवेलेबल है, जनरल पीडब्ल्यू में कितने सीट अवेलेबल है, एससी, एसटी, ओबीसी, एओबीसी, बी में कितने सीट अवेलेबल है एंड टीएफडब्ल्यू में कितने सीट अवेलेबल है। ओके, तो मैक्सिमम टीएफडब्ल्यू के लिए जो अवेलेबल है वो 3 है, 3 सीट अवेलेबल है सभी कॉलेज में, लगभग 3-2 करके अवेलेबल है, ठीक है। तो इतना कम सीट अवेलेबल है टीएफडब्ल्यू कोटा में, तो ऐसे ही आप सारे कॉलेज का चेक कर सकते हो, ठीक है। देन आते हैं फोर्थ अपडेट, प्रीवियस ईयर ओपन रैंक एंड क्लोज रैंक, तो उसमें क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आप लोग ईयर चूज करना पड़ेगा। 2015 का देख सकते हो, 16, 17, 18, 19, 20, तो हम लोग 20 का देखेंगे एंड राउंड 3rd का ही आप लोग देखना है, ठीक है, लास्ट राउंड का 3rd राउंड एंड एग्जाम टाइप है डब्ल्यू बी जेई का। ओके, एंड इंस्टीट्यूट नेम ऑल कर दोगे, ऑल आ जाएगा, देन इसमें सबमिट कर दोगे, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख पाओगे जितने भी इंस्टीट्यूट है, इसमें आप लोग जितने भी इंस्टीट्यूट है उसका पूरा कट ऑफ लिस्ट आ जाएगा। ओके, तो पर्टिकुलर मैं इसमें जादवपुर का दिखाता हूँ, जादवपुर यूनिवर्सिटी। ओके, तो
इसमें क्लिक करोगे एंड सबमिट कर दोगे। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी में अगर आपका चांस होता है तो आपको इनमें से रैंक करना होगा, जो रैंक अभी शो करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस का मैं दिखाता हूँ, तो कंप्यूटर साइंस में अगर लेना चाहते हो जनरल में तो आपका फोर्थ रैंक होना चाहिए एंड क्लोज हो गया था 65, यानी विद इन 65 के अंदर आपका अगर रैंक होता है जेएमआर तो सीएससी आप लोगों को मिल जाएगा फॉर जनरल कैंडिडेट। ओके, एससी के लिए लास्ट क्लोज हो गया था 1226 एंड एसटी के लिए 4943। ओके, एंड ओबीसी ए के लिए जो गया था 1354। ओके, ओबीसी बी के लिए गया था 202 एंड टीएफडब्ल्यू के लिए 000। ओके, ऐसे ही आप लोग देख सकते हो कौन से कॉलेजेस में कितना कट ऑफ गया था, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा थर्ड राउंड तक ही आप लोग देखना, लास्ट राउंड, ठीक है। तो ऐसे आप लोग चेक कर सकते हो एंड आप जान सकते हो आपका चांस है कि नहीं उस कॉलेज में। ओके, तो यही था लास्ट अपडेट, और अपडेट नहीं है, कल रिजल्ट निकलने वाला है। आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक, ठीक है, एंड कल मैं लाइव आऊंगा। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।